नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरीश आपके साथ। और चलिए करते हैं 50 साल पहले की बात, जब मोहित कोई अंकल नहीं बल्कि एक यंग डैशिंग हैंडसम लड़के का नाम था, जो किसी हीरो से कम नहीं था। और मीनाक्षी भी कोई आंटी नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, लंबे बालों वाली लड़की का नाम था, जो किसी हीरोइन से कम नहीं दिखती थी। वेल, हमारे जो दादाजी हैं कांतीलाल जी, उन्होंने टिपिकली अरेंज मैरिज के चलते हुए मोहित को कहा कि जरा लड़की को देखने तो जाओ। और मीनाक्षी को भी एग्जाम हॉल के बीच से ही भेजा गया कि जाओ जरा लड़के से एक बार मिल तो लो। तेल वाले बाल, हाथों में किताब, मीनाक्षी मोहित से मिलने के लिए गई। और वो पहली मीटिंग में जब मीनाक्षी से ये पूछा गया कि हाँ तुम स्पोर्ट्स पसंद करती हो, तो मीनाक्षी ने भी इरिटेट होके जवाब दे दिया, हाँ हूँ तूतू और खो खो। वेल दैट्स ट्रू। एनीवे, उस मीटिंग में मीनाक्षी को मोहित कुछ खास नजर नहीं आए और मोहित को भी मीनाक्षी थोड़ी ओके ओके ही लगी। और बस शादी की बात वहीं पर रखी की रखी रह गई। कहते हैं कि समय के साथ वक्त आगे बढ़ता गया और फिर कुछ महीनों बाद एक बार मोहित अपने एक दोस्त से मिलने के लिए मुंबई आया। जब मोहित यहां मुंबई में आए तो उनके दोस्त ने कहा कि अरे यार मोहित, हमें हॉस्पिटल जाना होगा जरा मम्मी को देखने के लिए। मोहित ने एकदम से हां कर दी, क्योंकि दोस्ती में तो मोहित ने आज तक कभी ना की ही नहीं थी। जब हॉस्पिटल में गए तो वहां लोगों के बीच में मोहित का ध्यान अट्रैक्ट करती रही सिर्फ एक खूबसूरत सी लड़की, लंबे लंबे बालों वाली। मोहित ने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, यार एक बात तो बता, ये लड़की है कौन, इतने खूबसूरत लंबे बालों वाली? तो दोस्त ने कहा, अरे पागल, ये तो वही लड़की है जिसको तूने रिजेक्ट कर दिया था। मोहित बहुत सरप्राइज्ड हुआ। उन्होंने मीनाक्षी का ये अवतार देखा तो अगर टिपिकल वर्ड्स में कहें तो वो मीनाक्षी पर लट्टू हो गए। वेल, उसके बाद मोहित ने बहुत कोशिश की किसी ना किसी तरीके से मीनाक्षी से बात हो और एक और दो और मुलाकात हो। लेकिन मीनाक्षी भी काफी गुस्से में थी, क्योंकि उनको लगा कि यार ये कैसा कंफ्यूज लड़का है, कभी हाँ तो कभी ना। खैर, इस बात को आज 50 साल हो गए हैं, लेकिन ये इश्क, ये प्यार, ये मोहब्बत आज भी वैसे ही कायम है जैसे 50 साल पहले थी।